अभी जो ऋतिक का स्टेटमेंट आया कि आई हैव रियलाइज कि यू हैव टू बी पेशेंट विद बुलीज़, बुलीज़ के साथ मुझे पेशेंस रखना पड़ता है, उसका तो बस रोना चलता ही रहता है। अब आप देखिए इतने साल हो गए हैं ना, हम में कोई बात हुई है, हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, ना कोई मैसेज किया है, मतलब वो इतनी गुजरे हुए ज़मानों की बात है। आप इसके बीच में, मैंने एक फिल्म में डायरेक्टर भी बन गई, डायरेक्ट भी की, वो आई इतनी सक्सेसफुल भी हो गई, उसके बाद में मेरी एक और फिल्म पंगा ख़त्म करी कल, एक मेंटल करके जिसमें मैं, वो इतना कुछ इस दरमियान हो गया है, वो अभी भी उसी ज़माने में अटका पड़ा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके लिए ये एक अच्छा पंचिंग बैग बन गया है कि जब आप कोई, पंचिंग बैग है ऋतिक रोशन की, यस, जब कोई अटेंशन ना मिले तो इस चीज़ को ले आओ बाहर, और कुछ इंसाफ मांगता रहता है, पता नहीं क्या कहता रहता है, किसी को समझ नहीं आती, बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड एनीबडीज अंडरस्टैंडिंग। क्या चिट्ठियाँ लिखता रहता है, आई एम बिकमिंग अ सॉब स्टोरी, क्या क्या, मैंने तो पढ़ी भी नहीं कभी। तो लेकिन ये उन्होंने क्यों आप पे ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि ये बुली, आपने बुली करा उनको कभी? क्योंकि अब उसके दिल में ऐसी जलन हो रही है कि ये मैंने इसको बर्बाद करने की कोशिश करी तो बर्बाद क्यों नहीं हो गई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इन हीरोज़ के पहले अफेयर नहीं चले या कुछ, मतलब जिन लोगों को इन्होंने चुप कराने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, वो बेचारी लड़कियाँ एक तरह से सहम के चुप्पी साध गईं, और कहीं ना कहीं कहीं और शादी करके या ये सब करके अपना चुप हो गई। लेकिन आई एम नॉट ओनली सर्वाइविंग बट आई एम थ्राइविंग, यही चीज़ से तो दिल में सांप लौट रहे हैं, मरे जा रहे हैं। नहीं तो आपको लगता है कि आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, अगर मेरी फिल्में ना चलती, अगर आज मेरे पास काम नहीं होता, तो क्या वो मेरा नाम भी लेता? वो मेरा नाम भी नहीं लेता था कभी लाइफ में, उसको मेरी कभी पड़ी भी नहीं हुई होनी थी। ये तो इसलिए क्योंकि आज मेरी स्टैंडिंग है और मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरे पास सक्सेस है, तभी बार बार मेरा नाम यूज़ करता है पब्लिसिटी के लिए। राइट, लेकिन